सो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका दोस्त अदल गुप्ता। आज हम आपको दिल्ली से पाकिस्तान का रास्ता दिखाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी दिखाएंगे, इंडियन से कैसे बिहेव करती है पाकिस्तान की आर्मी। तो हमारे साथ आप वीडियो बन रहे हैं, जैसे कि आप थंबनेल से और टाइटल से आपको पता भी चल गया होगा, हम पाकिस्तान गए हुए हैं। इस व्लॉग में, इस वीडियो में हम पाकिस्तान जाएंगे, दिल्ली से पाकिस्तान। हम पूरा आपको सफ़र दिखाएंगे, कैसे क्या होता है पाकिस्तान तक। सो वहाँ पे आपकी आर्मी भी दिखाएंगे, पाकिस्तान में जो भी आर्मी जैसे बिहेव करती है इंडियंस के साथ। तो आज का हमारे फ्रैंकलिन का आउटफिट, कुछ सूट उसने फॉर्मल से पहन रखा है, ब्लू कलर का और थ्री पीस सूट है, अंदर बीज कलर की वेस्ट है और व्हाइट कलर की शर्ट है और ब्लू कलर की टाई है और डार्क ब्राउन शूज है और ऊपर एविएटर सनग्लासेस है। सो चलो चलते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं। हम आज अपनी इसमें जो लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो है इसमें चलेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया हम पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान की गाड़ी में जाएंगे। सीमेंस के स्टोर पीडीएम पे हमें एक पाकिस्तानी गाड़ी मिलेगी, तो हम वहाँ से वो गाड़ी ले लेंगे और हम ये अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ देंगे। सीमेंट हमारी गाड़ी हमारे घर पहुँचवा देगा वापस। उसने कहा है बिल्कुल पाकिस्तान के फ्लैग की वही सेम टू सेम गाड़ी है। तो एक बार मैं मार्क लगा लेता हूँ सीमेंस के स्टोर पे पीडीएम पे, तो उसका स्टोर ये है, तो मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया। तो चलो चलते हैं, अब आगे से चल लेंगे, कोई नहीं आगे से भी रास्ता है, तो डोंट वरी। सो हमने यहाँ से चल लिया। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, इससे थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती है और आपका कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है। सो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ वीडियोज़ बनाने में। सो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको सारी मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ग्लीचेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, और नोटिफिकेशन अगर मिलती भी है तो एक एक दो दो दिन बाद मिलती है, जिसकी वजह से वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते और आप देख नहीं पाते। सो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो। सो हम पीडीएम की तरफ चल ही रहे हैं बस, और मैं आज मिलिट्री बेस में लेके जाऊँगा आपको, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में। तो हम दिल्ली से पाकिस्तान जाएंगे, आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे कैसे जाते हैं, और इसके बाद हम जो पाकिस्तान का नया करतारपुर कॉरिडोर बना है इंडिया पाकिस्तान का, हम वहाँ पे भी लेके चलेंगे आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का करतारपुर कॉरिडोर दिखाऊंगा मैं। सो हम यहाँ पे पीडीएम पे आ चुके हैं, बस यहीं पे थोड़ी सी दूर ही रह गया पीडीएम। ये अपना दोस्त है सीमेन, इसने कहा है मैंने तेरे लिए स्पेशल पाकिस्तानी गाड़ी बनवा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कह पाएगी हमें अगर हम मिलिट्री बेस में अंदर एंटर भी करेंगे। सो मैं सोच रहा हूँ अंदर इसके अंदर स्टोर में खड़ी कर देता हूँ, अगर अंदर खड़ी करो तो वो कुछ कैबिन मतलब कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो वो रही अपनी पाकिस्तान की गाड़ी। सो मैं यहाँ पे साइड में खड़ी कर देता हूँ, थोड़ी सी ये अपनी स्टोर की वो भी कर लेगा, सेल्स भी बढ़ा लेगा मेरी गाड़ी से, और फिर ये मेरी भिजवा भी देगा वापिस। सो देखो ये अपनी पाकिस्तानी गाड़ी है, देखो पूरा फ्लैग पाकिस्तान का है, पूरी वाइट और ग्रीन कलर में है, साइड में पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए चार है और हाफ मून की फोटो है, रेड कलर के रिम्स है और वाइट और ग्रीन कलर का पूरा पेंट है। तो एक बार मैं इंटीरियर भी दिखाया तो आपको इसका। सो आपको जैसे ही पता है पाकिस्तानी गाड़ी थोड़ी सी ऐसी ही होती है, तो इसके इंटीरियर में कुछ इतना खास नहीं होगा। सो देखो ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर पाकिस्तानी गाड़ी है, थोड़ी ओल्ड डेटेड ही है क्योंकि वहाँ पे अभी इकनॉमी थोड़ी डाउन है। सो जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू कंपनीज अभी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे अपना एंट्री करेंगे न्यू कंपनीज। फेबर में मार्क लगा ले तो जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ से हम आपको पाकिस्तान की आर्मी से मिलाएंगे और वहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे वो बिहेव करते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे है वो, थोड़ा दूर है, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इसी वीडियो में। सो वीडियो में आगे बने बने रहने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जब भी लाइक करना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँ आपके साथ, और मैं सिर्फ इस वीडियो का टारगेट 500 लाइक का रखूँ। सो प्लीज़ जाके 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, अगर आपने 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया सो तो मैं सोचूंगा मेरा यूट्यूब पे आना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। सो जिसकी वजह से मेरी मेहनत बिल्कुल सही हो जाएगी। सो प्लीज़ जाके मेरा टारगेट पूरा कर दो, 500 लाइक्स का टारगेट है सिर्फ। और आप देखो अपनी पाकिस्तान की गाड़ी कितनी मस्त लग रही है, दिल्ली का ही नंबर है पर पाकिस्तान का वो है, हमारे पास वीज़ा भी है पाकिस्तान का। सो डोंट वरी, हम आराम से एंट्री ले लेंगे।
कोई भी हमें जो भी मिलिट्री के आर्मी ऑफिसर्स है वो कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी परमिशंस है जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, हम उनसे परमिशन लेके आए। कोई भी हम दो नंबर का काम नहीं करते, कोई भी फर्जी काम से नहीं आ रहे हम। मतलब ये नहीं है तारों के नीचे से आएंगे, तारों के नीचे जाएंगे या उड़ के जाएंगे या पानी से जाएंगे, हम बाय रोड जाएंगे, उनके सामने जाएंगे, उनका बैरियर से जाएंगे, उनके दरवाजे जाएंगे। सो डोंट वरी, हम बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से जाएंगे। तो हम बस थोड़ा दूर ही रह गए, तो 3-4 किलोमीटर ही है। सो हमारे साथ वीडियो में बने रहे, आप अपनी गाड़ी को देखो, पाकिस्तान की गाड़ी है, पाकिस्तान के जो भी हमारे व्यूअर्स है। सो जाके प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, देखो मैंने कितनी बढ़िया गाड़ी दिखाई है आपको पाकिस्तान की GTA 5 में। सो प्लीज़ जाके लाइक कर दो कमेंट को, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। साथ ही देखो कितनी बढ़िया गाड़ी मैं चला रहा हूँ पाकिस्तान की, सबसे पहली बार मेरी इतनी बढ़िया गाड़ी चली है, मेरी कभी भी इतनी बढ़िया गाड़ी नहीं चलती। सो हम बस पहुँचने वाले हैं, सॉरी सॉरी, इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक। तो हम मिलिट्री बेस पर पहुँचने वाले हो भाई साहब, ये क्या बंदे ने पानी के ऊपर घर बना रखा है भाई साहब। अभी आते हुए दिखाऊंगा वापिस आपको, एक घर दिखाऊंगा एक। सो आपको वो देख के आप चौंकना मत, कितना बढ़िया घर बना रखा है उसमें बंदे ने, बिल्कुल पानी के ऊपर घर बना रखा है। सो हम बस पहुंचने वाले हैं मिलिट्री बेस में, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में। वहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान के फ्लैग्स ही फ्लैग्स दिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री बेस है। और आपको दिखाएंगे भी आर्मी कैसे इंडियंस के साथ बिहेव करती है। मैंने जितना सुना है आर्मी का इंडियन के साथ, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर है। कोई भी वो किसी भी इंडियन को कोई भी कुछ नहीं कहता, बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर है उनका। सो इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। और जैसे कि मुझे पता है आजकल कोई भी जो भी मतलब ट्रैवलर है उनकी कोई भी वीडियोस नहीं आ पा रही, सो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सो मेरा इसका टारगेट भी सिर्फ 2 लाख व्यूज़ का है। सो प्लीज़ मेरा टारगेट भी पूरा करा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सो जैसे कि आप देख रहे हो हम पहुंचने वाले हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं रहा, ये आगे एंट्रेंस, यहाँ से मिलिट्री बेस की एंट्रेंस है। तो ये देखो यहाँ से हमें राइट होना है, ये और मैं यहाँ पे रेडियो ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाएगी फिर अगर रेडियो ऑफ नहीं हुआ तो, क्योंकि पाकिस्तान के रेडियो में दिक्कत आ जाएगी। एक सेकेंड, सॉरी। तो मैंने अपना रेडियो ऑफ कर लिया, तो देखो सामने कितना बढ़िया फ्लैग लहरा रहा है पाकिस्तान का, देखो पूरा ओरिजिनल पाकिस्तान का फ्लैग है, सामने बॉर्डर भी पाकिस्तान का है, और सामने देखो ऑफिशियल्स है, यहाँ पे अंदर ऑफिशियल्स बैठा हुआ, अभी तो कोई भी नहीं बैठा। सो हमें तोड़ के जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कोई बैठा नहीं तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। देखो ये खड़ा, जैसे हम एक बार इससे बात कर लेते हैं। हेलो सर, हम यहाँ पे आपसे बात करने आए हैं, तो आपका कैसा बिहेवियर है हमारे साथ? हाँ बोलो, तुम इंडियन हो? ओ नाइस टू सी यू, हमें बहुत पसंद आए तुम, थैंक यू सर। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, एक बार हम आगे देखाते हैं कैसा है आपका मिलिट्री बेस। तो देखो अब मैंने आपसे आपको अभी दिखाया है मिलिट्री कितनी मतलब कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे देखो दो दो फ्लैग, हर जगह आपको पाकिस्तान के फ्लैग्स मिलेंगे, क्योंकि ये मिलिट्री पाकिस्तान का आर्मी बेस है, मिलिट्री कैंप है। सो यहाँ पे सारी मिलिट्री वगैरह सब हर एक चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इनकी स्पेशल कार्स है, बुलेट प्रूफ कार्स है सारी। ये देखो एक और मिलिट्री ऑफिशियल, यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी रहती है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। देखो पाकिस्तान का स्पेशल टैंक, जो इनका स्पेशल कस्टमाइज टैंक होता है, वो टैंक है इनका। सो एक बार हम चल लेते हैं, कभी वो उड़ा दे हमें तो इससे दिक्कत हो जाएगी। सो ये हम मिलिट्री बेस के एयरपोर्ट पर आ चुके, जो मिलिट्री बेस का एयर कैंप होता है, एक बार हम इससे ही बात कर लेते हैं, ये ट्रेनिंग करवाते हैं बंदों की। हेलो सर, आप ट्रेनिंग कराते हो यहाँ पे? मैं इंडिया से आया हूँ, सो मैं इंडियन हूँ, आपको मुझसे मिल के कैसा लगा? हेलो, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप इंडियन हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप आए हो यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान, हमें रिलेशन सुधारने इंडिया से पाकिस्तान के। ओके सर, हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे, अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, सो डोंट वरी। सो जैसे कि देखो आपने अभी मैंने इनसे बात करी है, तो ये कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधारने हैं। तो मैंने इनको कहा है मैं गवर्नमेंट से बात करूँगा, जो भी रिलेशन सुधरेंगे वो हम देख लेंगे बाद में।
सो देखो कितनी बढ़िया बात है, मतलब पाकिस्तान वाले भी चाहते हैं इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरे। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता किसी भी दो कंट्री के बीच में कोई भी वॉर होए। सो हमेशा यही चाहते हैं, कोई भी दिक्कत ना आए, हमेशा पीसफुल ही रहे कोई भी बंदा, हर एक बंदा। तो यहाँ पे देखो ये स्पेशल इनका जो मिलिट्री का कार्गो प्लेन होता है वो है स्पेशल। यहाँ पे पूरा इनका मिलिट्री का सामान आता है, जैसे ही वेपन्स हो गए, कई फाइट पे जाने में वेपन्स आते, वो सब कुछ लोडिंग वगैरह अनलोडिंग वगैरह सब कुछ इसी में होती है। बाकी उनका चॉपर है छोटा सा, इसमें दो ही बंदे आते हैं, एक ड्राइवर होता है एक जो को पैसेंजर होता है, या तो इनका कोई भी बड़ा ऑफिसर या कोई आर्मी ऑफिशियल्स कोई भी आ सकता है उसमें, जिसको कहीं अर्जेंट जाना है, ओनली फॉर ऑफिशियल वर्क है। सो देखो यही सब कुछ यहाँ पे मिलिट्री कैंप है, एक ये छोटे से इनकी फैक्ट्री भी है यहाँ पे, ये इनकी गन्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करते गन्स। एक्चुअली इनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, सो इसकी वजह से किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करते अपनी गन्स। सो यहाँ पे इनके कैंप में बस इतना ही था। तो हम अगली बार आपको पाकिस्तान करतारपुर के कॉरिडोर पे भी दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं यहाँ से कभी फिर ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड पास है, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम का पास नहीं है, तो दिक्कत भी आ सकती है उसकी वजह से। हमें कोई भी यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं करनी है, तो दिक्कत हो जाएगी अगर हमने कुछ भी तोड़फोड़ कर दी तो एक बार हम इनको बाय कर देते हैं, एक बार हम बाय कर देते हैं फिर हम चलेंगे। हेलो सर, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके मिलिट्री कैंप पे आने आने के बाद, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हमारे इंडियन आर्मी के लिए थोड़ा हमारे से स्वीट्स ले जाए। ओके सर, मैं ले जाता हूँ। तो जैसे देखो हमारी पाकिस्तान आर्मी ने हमारे हमारी इंडियन आर्मी के लिए स्वीट्स दी है, जैसे कि मेरा एक इंडियन आर्मी दोस्त भी है, तो मैं उसको दे दूँगा ये सारी स्वीट। तो मैंने सुना है पाकिस्तान की स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो हम अब अपने घर की तरफ चलते हैं, मतलब अपने जो होटल है पाकिस्तान में तो वहाँ पे चलते हैं। तो अपना यहीं पे पास में ही होटल है, तो वहाँ पे चलते हैं, फिर वहीं पे रहेंगे और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे पाकिस्तान इंडिया, एक इंडिया पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर। सो बस यहीं पे थोड़ी सी आ गई होटल है, होटल मोटल कुछ भी कह सकते हो आप। सो ये रहा अपना छोटा सा होटल है ये। सो हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं आज मिलिट्री कैंप के पास है, क्योंकि हमने सोचा मिलिट्री कैंप के पास ले लेते हैं, अगर कोई टेररिस्ट वगैरह आ भी सकता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो एज ऑलवेज हैश टैग गिकीसेस।